गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे, माता रानी सबको खुश रखे। सो गाइस, सुबह सुबह से हम कहाँ के लिए तैयार हुए अभी आप लोगों से बता रहे हैं। और ये भैया जी के आगे के लॉबी में ना अगर खड़े हो जाओ ना तो इतना अच्छा लगता है, और चारों तरफ ना यहाँ ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। सुबह से ना हल्की फुल्की वाली बारिश भी हो रही है, मौसम बहुत ही अच्छा है। तो ऐसा मौसम देख करके ऐसा लगता है कि फिर कहीं हम घूमने जाएं, तो जल्दी हम कर लेते हैं कंघी। गाइस, ये लौकी का जूस है। जिसको बीपी की समस्या हो वो लौकी का जूस खाली पेट एक गिलास पर डे ले, जो है उसकी बीपी का ये राम मार इलाज है। हमारी भाभी जी सुबह से कितनी, गाइस देखिए हमारी भाभी जी कितना सुबह से मेहनत करती हैं, यानी भैया के लिए लौकी का जूस बनाती हैं। और सुबह के 6:30 बज रहे हैं, हम लोग गए 4 बजे से, भाई बहन बैठ करते ना बातें कर रहे थे आराम से, हम लोगों की बातें चल रही थी। अभी हमारी जुबान लड़खड़ा रही है, सुबह से गर्म पानी तो पिए नहीं इसी वजह। और भाई आज भी कह रहे हैं कि चलिए दीदी सब वहाँ कहाँ के गौरा बाबा के दर्शन कराते हैं, क्योंकि कल तो हम करके आए हैं और आज भी भाई हमको लेकर के चल रहे हैं। तो आप लोगों को भी गौरा बाबा के दर्शन 7 बजे तक जाओगे। सो गाइस, हमने सूरज भगवान को जल दे दिया और देखिए हमारी श्रेया बिटिया लग गई हैं मंदिर की साफ सफाई कर रही हैं, और मिट्टी भी इन्होंने भिगो दिया है भोले बाबा बनाने के लिए। क्यों श्रेया? हाँ। हमसे कह रही हैं बुआ जल्दी ही आइएगा, हमको 7:30 बजे स्कूल जाना है। अब जाने का मतलब है क्योंकि आज है प्राची की विदाई, और हमने रक्षाबंधन में ना भाभी के यहाँ मीठा नहीं दिया था, तो वहाँ के लिए मीठा भी लिए हैं। क्योंकि रक्षाबंधन वाले दिन ना यहाँ पर इतनी भीड़ थी जो मीठा की शॉप है, कि मतलब लाइन में ना 1.5-2 घंटा लगे थे। कई शॉप हैं लेकिन इतनी भीड़ थी, इतना लोगों ने उस दिन मीठा ख़रीदा है कि पूछे नहीं। इसलिए ना कल हमने मीठा लिया है, तो अब सबके यहाँ मीठा भी दे देंगे और मिलना भी हो जाएगा, जो बाबा के दर्शन भी हो जाएंगे। तो चलते हैं भाई, यहाँ पर फूल बेलपत्र भी तोड़ रहे हैं और हम हाथ में डिब्बा लिए टहल रहे हैं। हम सोच रहे हैं कहीं रख ना दें तो फिर से भूल जाएं। और रक्षाबंधन वाले दिन दा तो दीदी मीठा लिए हुए थी, पैक वाला दीदी मीठा लेकर के आई थी, तो उसी मीठा से हमने सबको मीठा भी खिला दिया, राखी भी बांध दिया। दीदी बोल रही थी शोभा बाद में मीठा देना, अभी ना सबके यहाँ इतना मीठा रखा हुआ है, जब तुम बाद में मीठा दोगी ना तो सबको ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हम मीठा लेकर के जा रहे हैं, भाई ने फूल बेलपत्र भी तोड़ लिया, अब चल रहे हैं आप लोगों को करवाते हैं माँ भगवती के दर्शन। ये है शारदा माता का मंदिर, और गौरव बाबा के ना एकदम से पास में है। तो उस बार हमने दर्शन किया था पहले डायरेक्ट गौरव बाबा के, बाद में शारदा माता के किए थे। आज भाई ने सोचा कि पहले शारदा माता के दर्शन करते हैं, इसके बाद गौरव बाबा के दर्शन करेंगे। तो यहाँ का भी गेट बंद है, लेकिन हमने पूजा कर ली, आप लोगों को भी दर्शन करा दिए। आप लोगों को गौरा बाबा के भोले बाबा के दर्शन करवा दिए, और देखिए यहाँ सब बहनें आ गई थी, भजन कीर्तन भी हो गया था, सबको प्रसाद भी दे रही थी, तो हमने भी प्रसाद ले लिया। और जितने भी मंदिर हैं आप लोगों को भी दर्शन करवा रहे हैं, उस दिन तो एक एक भगवान जी के पूरे दर्शन आप लोगों को करवा दिए थे। अब यहाँ पर जो हवन कुंड है इसकी थोड़ी सी भभूति भी ले लेते हैं और खा भी लेते हैं, अपने मस्तिष्क में लगा देते हैं। और इसके बाद ना जो यहाँ की बहनें हैं आप लोगों से भी मिलवा रहे हैं जो भजन कीर्तन करती हैं। सब बहनों के ना कितने अच्छे भाव हैं डेली ये लोग। कितने बजे आप यहाँ आ जाते हो? 5 बजे आ जाती हैं, बताइए। और भोले बाबा का श्रृंगार, पूरा यहाँ का श्रृंगार करवाती, इसके बाद भजन कीर्तन कहती हैं। कल भी हम लोग देख करके गए, और देखिए गाइस हमको प्रसाद मिल गए, आप लोग भी खाइए, हम भी जा रहे हैं खाने। हाँ, सासू माँ को दिखाऊंगी। सासू माँ के साथ ना कल्पवास में पूरा 1 महीना वहाँ पर रहते, 1 महीना रहते हो ना, भजन कीर्तन कहते थी। तो वही सासू माँ के विषय में पूछने भी लगी, तो कह रहे हैं कि ये वीडियो सासू माँ को ज़रूर दिखाना और सबको मतलब यहाँ मिल आ जाओ ना तो इतना अच्छा लगता है। और कुछ समय के लिए हम यहाँ बैठ गए हैं, भैया जी ना सुंदरकांड का पाठ कह रहे हैं, तो 15-20 मिनट लग जाएगा, तब तक तो इन बहनों के तो भजन हो गए, लेकिन हम सोच रहे हैं यहाँ पर बैठ करके थोड़ी हम भी अपना भजन कीर्तन ऐसे ही गाते रहते हैं। दूसरी मीटिंग है। अच्छा, अब तो नहीं रुकेंगे, अब तो हमारे लोगों की तैयारी है। देखिए यहाँ से पचमुहा धाम जाएंगे, पचमुहा, इसके बाद फिर लखनऊ जाना है। कई दिन हो गए ना हम लोगों को यहाँ आए हुए। चलिए इलाहाबाद में आप लोगों से मुलाकात होगी, ठीक है? देखो अब यार, पहले ससुर नहीं रह गए। हाँ,
हम दर्शन करने के बाद बस जा ही रहे थे तो यहाँ पर ना हमारी तीसरे नंबर वाली भाभी फूल बेलपत्र तोड़ रही थी, हमको देख ली, तुरंत बुला ली, बोली ऐसे नहीं जाना, आप चाय नाश्ता करके जाना। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस समय बिट्टू की मम्मी यहाँ पर नहीं रहती हैं, पछमुहा धाम में रहती हैं, तो एकदम से ना इनका मकान पूरा खाली खाली सरक रहा है, लेकिन रेंट में इन्होंने दे रखा है, रेंट वाली भाभी जी रहती हैं। तो यहाँ पर ना धतूर का पेड़ कितना बड़ा लगा हुआ है, धतूर भाभी जी धतूर के फल तोड़वा रहे हैं पूजा के लिए, और इसके बाद हमको कह रहे हैं कि चलो अब चलते हैं, आराम से बैठ करके करते हैं बातें, और लखन जी भैया को जाने दो, बाद में हम तुमको पहुंचा देंगे। तो भैया ने भी फूल बेलपत्र ले लिया है जी, भैया गए और भाभी जी ने जबरदस्ती हमको पकड़ लिया, कह रहे हैं बिना चाय नाश्ता किए हुए नहीं जाना है। और जब कल ना भाभी जी के साथ ना हम कल साड़ी लाए थे तो रक्षाबंधन में ना यहाँ पर हमारी भाभी जी देखी कितनी सुंदर सुंदर हम लोगों को साड़ियाँ खरीदवाई हैं। एक गाइज ग्रीन में है, बहुत ही सुंदर है। अब लखनऊ जा करके ना आराम से खोल करके आप लोगों को दिखाएंगे। और ये है बड़ी वाली दीदी की, सिल्क में है। और एक ये साड़ी है, ये साड़ी, ये भी बहुत ही सुंदर साड़ी है। सुबह सुबह से ना साड़ी खोल करके ना भाभी जी के लिए हम काम नहीं पर पोहा बना करके, और गर्मा गर्म चाय भी आ गई है। तो आप लोग भी आ जाए, सब लोग करते हैं नाश्ता। और अभी हमारी भाभी जी नहाई नहीं है, फूल बेलपत्र है, पूजा पाठ का सब इकट्ठा कर रही थी। और कई मतलब ये भाभी हैं और प्राची की मम्मी हैं, इन्होंने हमको साड़ी ही दिया है। और हाँ, बिट्टू की मम्मी भी साड़ी हमको दी है। तो हम लोग ना भाभी लोगों के जब राखी बांधते हैं ना तो भैया लोगों की तरफ से मनी मिलती है और भाभी जी लोगों की तरफ से ना साड़ियाँ मिलती हैं। चलिए ठीक है, भाभी जी लोग है ना एक्स्ट्रा साड़ी रखे रहती हैं, तो जब हम लोग आते हैं ना तो कहती इनको भी लेते जाओ, इनको भी लेते जाओ, इसीलिए ना हम जल्दी वहाँ पर साड़ियाँ नहीं खरीदते हैं। इतनी साड़ियाँ हम लोगों को ना मायके से मिल जाती हैं कि फिर साड़ी खरीदने की ना इच्छा नहीं करती है, इसीलिए हम जल्दी लखनऊ में लेते भी नहीं हैं साड़ियाँ। तो जल्दी कर लेते हैं चाय नाश्ता। भाभी साड़ियों का खजाना खोले बैठे हुए हमसे बोल रही हैं जो साड़ी लेना हो ले लो, और भाभी बता रही हैं कि ये हम करवों में पहनेंगे। और सपना बहू ने इतना टेस्टी वाला पोहा बनाया था, पोहा खा करके मन खुश हो गया। और राघो को देखिए कैसे कर रहा शैतानी, और मनु भी आ गए थे तो मनु और राघो दोनों लोग अपना खेल में लगे हुए हैं। और सपना बहू बना रही हैं खाना। राघो आपकी गाड़ी अच्छी है, दादा वाला पुल बन गया है, बीरा से रास्ता बन गया, पक्की रास्ता बन गया। लखन जी भैया हमको फिर से दोबारा लेने आ गए हैं, तो हमने कहा भैया क्यों परेशान हुए हैं, अभी हमको बासु छोड़ देंगे। और देखिए बहू ने यहाँ खाना भी रेडी कर दिया है, बोल रही बुआ आप खाना खा करके जाना है। तो हमने कहा खाना हम बिल्कुल नहीं खाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह से ना हम खाना नहीं खा पाते हैं, तुमने इतना पोहा खिला दिया है और सुबह से हम इतना हैवी नाश्ता भी नहीं करते हैं, तो यहाँ पर हम झूल लेते हैं झूला। इस बार ना सावन में बस ऐसे ही हमने झूला झूला है, कभी ये भैया के यहाँ झूला, कभी वो भैया के यहाँ झूला, अब भाभी जी के यहाँ ना यहाँ गार्डन घूम लेते हैं। इस ना यहाँ पर हमने ज़्यादा टाइम नहीं दिया, उस दिन सिर्फ रक्षाबंधन में आए थे तो जल्दी जल्दी में निकल गए थे। यहाँ भी बहुत ही अच्छे अच्छे फूल बेलपत्र के पेड़ हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और भाभी इतना रोक रही हैं कि आज यहीं रुकना है, तो हमने कहा भाभी अगर ज्योति प्रीति और बिट्टू सब पास में होती ना तो हम ज़रूर रुकते, और जहाँ पर हमारी भतीजियाँ हैं वहीं हमको भी अच्छा लगता है। गाड़ी आ गई, मनु चाचा कहाँ गए? राघो राघो अपनी गाड़ी में बैठा करके हमको छोड़ आओ लखन जी मामा के यहाँ। अरे लखन जी बाबा हैं आपके, छोड़ आओगे? पीछे बैठ जाएं हम? चलो ठीक है बैठते हैं। हेलो गाइस, हेलो गाइस, बाहर नहीं रखो, इधर आइए, इधर आइए रखो, आइए आइए, दादी आ रहे, आइए इधर आइए, इधर आइए, घूम लिया राघो थोड़ी से, जब तक ये घूम नहीं लेता ना तब तक कहीं जाने नहीं देता अपने डैडी को। राघो हम जा रहे हैं, खुश रहे भाभी खुश रहे, राघो हम जा रहे हैं। राघो राघो भाई कहाँ गया, स्कूल गया भाई? वहाँ से हमारी विदाई हो गई, साड़ी वगैरह लेकर के ना हम आ गए थे प्राची के यहाँ, तो हम प्राची के पास कुछ समय के लिए बैठ लेते। और प्राची वही बोल रही कि बुआ इस बार ना इतना अच्छा लगा, तो हमने कहा और सब भतीजी होती ना तो कितना अच्छा लगता, और 2 साल बाद ऐसा हुआ है कि हम रक्षाबंधन में आ पाए हैं। नहीं दीदी आ जाती थी, दीदी के हाथ राखी भेज देते थे और दीदी ही राखी बांध देते, क्योंकि हमारे भैया लोगों को ना इंतजार रहता था कि हमारी बहनें आएँ और रक्षाबंधन में वो खुद राखी बांधे। हम लोग तो कोशिश यही रहते कि अब राखी भेज दिया करें,
बट हम लोग बच नहीं पाते। हमारे भैया लोग ना एक डेढ़ महीना से ही फ़ोन करना शुरू कर देते हैं कि रक्षाबंधन में कब आ रहे हो, गाड़ी भेजें। तो वही प्राची कह रही है कि बुआ इस बार हम लोगों ने बहुत ही मस्ती किया, बहुत ही अच्छा लगा, और इसके बाद अब हम यहाँ से चल रहे हैं। भाभी बेचारी देख रही हैं, भाभी बोल रहे हैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, शाम तक ना प्राची की भी हो जाएगी विदाई, उसके ससुराल वाले भी बस आने ही वाले हैं। तो यहाँ पर सबकी तैयारी हम लोगों की चल रही है, बुआ भतीजी लोगों की। और हम अतर्रा से निकल करके आ गए हैं लखन जी भैया के यहाँ, तो हमारे लखन जी भैया बेचारे लगे हुए। हमने कहा भैया मट्ठे का क्या बनाने वाले हो, तो बोल रहे हैं दीदी ताज़ा दही मथने के बाद ना आपके लिए रायता बनाएंगे। और हमारी भाभी जी लगी हुई हैं किचन में, तो यानी सबको नाश्ता भी इन्होंने रेडी कर दिया और नाश्ते में क्या बनाई है अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं। और इसके बाद ना खाने की भी तैयारी कर रही हैं। तो यहाँ पर नाश्ते में आज इन्होंने बनाया था ढोकला, और इतना टेस्टी वाला ढोकला बनाया था, लेकिन हमारी खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। हमने कहा हम सपना बहू के यहाँ से ना एक प्लेट पूरा पोहा खा करके आए, लेकिन भाभी हमको ज़बरदस्ती खिला रही हैं। और हमने कहा अभी खाना मत बनाइए, खाना खाने की किसी की इच्छा नहीं है। तो लखनऊ से ना इनका भी फ़ोन आ रहा था कि शाम तक हो सकता है हम पहुंच भी सकते हैं। तो यहाँ पर मनु की पसंद की भाभी बना रही पनीर, यानी काजू वगैरह को कद्दूकस कस ली है, और हम लोगों के लिए भी बनाई है दाल चावल और मैगल बनाई है, मैगल जैसे बैंगन का है, भिंडी का है, आलू का है। और हमारी भाभी ना मैगल तो बहुत ही टेस्टी वाला बनाती हैं गाइज, अगर खा लो ना तो उंगलियाँ चाटते रह जाओ। तो यहाँ पर हम भी लग गए उनके साथ किचन में, मसाला वगैरह सब भून रहे हैं, और सबके लिए जल्दी भाभी करें बना देते हैं खाना। खाना खाने के बाद आराम से हम लोग बैठते हैं, और देखिए लौकी भी इन्होंने बॉयल कर लिया है, लौकी ठंडी हो गई है, उसका पानी निकाल करके फिर बनाएंगे रायता। और दीदी जी भैया जी सब लोग बैठ करके आराम से बातें कर रहे हैं। सो गाइज यहाँ पर ना बहुत ही अच्छा लगा, हम लोगों ने इस बार मायके में बहुत ही मौज मस्ती किया। और इसके बाद ना हमारी दीदी जी भी किचन में आ गई हैं, तो यहाँ खाना भी रेडी हो गया, भाभी सबके लिए निकाल रही खाना। तो खाना भी भाभी ने सबके लिए निकाल दिया है, खाने में है मैगल है, दाल है, चावल है, पनीर है, सलाद है, अचार है, रोटी है, रायता है। सो गाइज आप लोग भी आ जाइए, सब लोग खाते हैं खाना, टाइम भी 12:30 बज रहे थे। और वही हम लोगों की तैयारी भी चल रही है, अभी ये बता नहीं रहे हैं, लखनऊ से फ़ोन कर रहे हैं कि हम आने ही वाले हैं, देखो कितनी समय आने वाले हैं, यहाँ आते हैं कि पछौहा धाम आते हैं, कुछ पता नहीं है। तो भाभी भी हम लोगों की पठौनी बांध रही हैं, हम लोगों के आना जैसे बांधा जो भी मायके से सामान दिया जाता है ना इसको पठौनी बोला जाता है। तो हमने कहा भाभी इतना मत दीजिए, भाभी यहाँ पर चावल है, चना है और बेसन वगैरह है, भैया भाभी दोनों लोग हम लोगों की पैकिंग कर रहे हैं। इसके बाद हम चल रहे हैं खुशी के यहाँ। सो गाइज हम लोग खुशी के यहाँ आ गए हैं, खुशी और हम दोनों लोग लग गए हैं नींबू तोड़ने में। कई दिन से हम यहाँ पर देख रहे थे कितने पके पके नींबू लगे हैं, जिस दिन जाएंगे ना उस दिन नींबू ज़रूर तोड़ेंगे। और इनका फ़ोन आ रहा है कि हम पछौहा धाम ही पहुँचेंगे। सो गाइज हम लोगों को ना लखन जी भैया ही लेकर के जाएंगे पछौहा धाम। इस बार ना उनके लिए काफ़ी भाग दौड़ हो गई, और हमारे लिए ना वो इतना इस बार परेशान हुए, तो हम करें भैया तुमको हम इस बार कितना परेशान किए, करें कोई बात नहीं है, हमारा तो सौभाग्य है कि हमारी बहनें आती हैं और इस तरह हम घुमाते हैं। तो यहाँ पर इतने नींबू हमने तोड़ लिया है, थोड़ी दीदी को देते हैं, थोड़ी वहाँ पर रुचि को देंगे, रानी को देंगे, इसके बाद इसका हम अचार बनाएंगे, क्योंकि नींबू का अचार ना हमको बहुत ही पसंद है। सो गाइस इस ब्लॉग का एंड भी करेंगे, देखो कब हमारी यहाँ से हो रही विदाई, और ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। जय माता दी।